मैंने मंगाया है मिंत्रा से एक सूट सेट, ये सांग्रिया का सूट सेट है, रेटिंग अच्छी थी, कलर भी काफ़ी प्यारा था, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। ऑफ़र में ही मुझे 2300 का मिला है, तो आइए इसको ओपन करते हैं और देखेंगे, काफ़ी प्यारा लग रहा है। कैसे जब भी आप चीज़ें ऑर्डर करें तो ध्यान रखें कि पहले सील जो टैग उसका होता है वो नहीं निकालना है प्राइस टैग, ताकि रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये देखिए, ये मैंने सांग्रिया का मंगाया था, लेकिन ये KVS फैब का आया है। लेकिन मैं बता दूं कि सांग्रिया और KVS फैब एक ही है, KVS फैब ही सांग्रिया के कुर्ते सेल करता है, और कुर्ता एग्जैक्टली सेम है जो कि मैंने मंगाया था। दुपट्टा काफ़ी प्यारा है, देखिए ये सुंदर सा लेस का काम किया हुआ है, धागे का काम किया हुआ है। फूल पे मुझे लग रहा था कि धागे निकल रहे हैं, लेकिन यही डिज़ाइन है इसका, सारे फ्लावर्स में इसी तरह से दो धागे इस तरह से निकले हुए थे, तो यही डिज़ाइन है। कपड़ा इसका सिंथेटिक का है, और इससे अच्छा एक फ्लो आता है, जो सूट का डिज़ाइन है कट है उसमें ये कपड़ा जो है अच्छा फ्लो देता है। तो दुपट्टा तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसका मैं पैंट दिखा देती हूँ आपको, ये स्लिम कट है इसको, या फिर पेंसिल कट कह सकते हैं, या सिगरेट पैंट भी कह सकते हैं। लेकिन ऊपर में जो है कमर के पास सामने से पट्टी दी हुई है, और पीछे में इलास्टिक है, और नीचे में सकरी है इसकी जो मोहरी होती है, तो अच्छा एक लुक आता है, चूड़ीदार वाला लुक आता है। ऑल्दो इस पे चूड़ीदार मिलती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और ये डिज़ाइन जो है इसको एम्पायर कट कहते हैं, तो ये आजकल काफ़ी चला हुआ है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है ये डाल करके, तो मुझे बहुत ही पसंद आया ये सूट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी जो मैं आपको बताऊंगी। पहली प्रॉब्लम तो थी कि ये सांग्रिया लिया था मैंने, लेकिन KVS फैब इन्होंने भेजा था, लेकिन फिर भी मैं इसको रख लेती, सूट काफ़ी प्यारा था, लेकिन ये यूज्ड लग रहा था, बिकॉज सामने में भी इसके स्टेन लगा हुआ था, और पीछे में भी कई सारे ऑयल के स्टेन्स थे, यानी कि किसी ने इसको इस्तेमाल करके रिटर्न कर दिया। तो सूट तो काफ़ी प्यारा है, मैं इसको एक्सचेंज में डाल दे रही हूँ ताकि मुझे दूसरा मिल सके। आपको लेना होगा तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।